हरियाणा के मालवा गांव के पुलिस स्टेशन के सामने किसी की लाश फेंकी गई थी। पुलिस के लिए पता लगा पाना मुश्किल था कि ये लाश किसकी है और इसे क्यों मारा गया है। लेकिन एक बात तो पक्की थी, ये हत्या जिस किसी ने भी की हो, लाश को इस तरह से पुलिस स्टेशन के सामने फेंकना उसकी सोची समझी साजिश थी। तो क्या हत्यारा पुलिस को कोई चुनौती देना चाहता था? कौन था ये शख्स जिसकी हत्या हुई थी? आखिर इसे किसने और क्यों मारा था? आइए देखते हैं हरियाणा की एक दिल दहला देने वाली कहानी। सर, हाँ, यहाँ ये क्या हुआ? ये देखिए सर, लाश को घसीटने के निशान। ऐसा लगता है कि विक्टिम को यहाँ लाकर नहीं मारा गया है। और सर, इसकी बॉडी से भी हमें कुछ नहीं मिला है जिससे हम इसकी पहचान कर सकें। अरे, आप लोगों में से कोई पहचानता है इसे? नहीं साहब, नहीं। आप लोगों में से कोई? नहीं साहब। हत्यारे ने ये लाश शायद इसलिए यहाँ फेंकी होगी क्योंकि व्यक्ति में इस एरिया का नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास के थानों से कोऑर्डिनेट करो। कहीं ना कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट जरूर होगी जिसकी डिस्क्रिप्शन इसकी लाश से मैच खाता हो। तब तक इस इलाके के अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। जी सर। तुम सही कह रहे हो, इसे मारा कहीं और गया और लाकर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया गया। और ये काम किसी अकेले आदमी का मुझे लगता नहीं। और अगर ये काम किसी अकेले आदमी का है तो उसे लाश को खेत और जंगल के रास्ते घसीट के लाने में बहुत मुश्किल हुई होगी। सर, वहां पत्ते पे खून के निशान लगे। आप ये देखिए सर। ये ब्लड के सैंपल्स इकट्ठा करो। ओके सर। सर, खून के धब्बे देख के तो ऐसा लग रहा है कि लाश को इसी तरह से लाया गया हो। मलिक, ये जंगल और खेत कल्याण का इलाका तो यहाँ आकर खत्म हो गया। यहाँ से अपने पुलिस स्टेशन तक की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की होगी। मान लो हत्यारा यहाँ से लाश को लेकर घुसा और पुलिस स्टेशन तक घसीट कर ले गया तो उसे खासी मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन सर, लाश को 2 किलोमीटर तक घसीट के ले जाना, और वो भी ऐसी लाश जिसे ले जाने में तकलीफ हुई हो, कोई भी हत्यारा इतनी मेहनत क्यों करेगा? जो इंसान एक जिंदगी को खत्म कर सकता है वो 2 किलोमीटर तो क्या 5 किलोमीटर तक भी लाश को घसीट कर ले जा सकता है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि उसने लाश को पुलिस स्टेशन के सामने ले जाके क्यों फेंका? वो कहीं और भी तो ठिकाने लगा सकता था उसको। सर, शायद ये हत्यारा जानबूझकर ऐसा चाहता हूँ कि हम इस लाश तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लाश तक हम नहीं, लाश हम तक पहुंची है। ऐसी बेनाम लाश जिसके बारे में हम उतना ही जानते हैं जैसे कि एक कोरा कागज। इस लाश के बारे में पता करना इतना आसान नहीं होगा। आसपास के घरों और गांव में पता करो, शायद कोई घर ऐसा मिले जिसका इस लाश से कनेक्शन हो। और हाँ, इस लाश की फोटोग्राफ को हर इलाके में सर्कुलेट करा दो। हो सकता है कोई मिसिंग कंप्लेंट ऐसी मिले जिसका इस लाश से मैच हो। जी सर। हाँ भाई, यहाँ आसपास से 30-32 साल का लड़का लापता है क्या? पतला सा, कुछ मालूम है उसके बारे में? क्या हुआ साहब, क्या बात हो गई? हमने पास ही के जंगल में लाश मिली उसकी। साहब, मेरा भाई भी सुबह से ना दिखा है। कहाँ गया तुम्हारा भाई, कुछ बता के गया है? यहाँ वहाँ घूमे हैं साहब, दिमाग से थोड़ा कमजोर से, कभी इस गली में कभी उस गली में, न जाने कहाँ होगा साहब, किसी को ना मालूम। इस फोटो को पहचान सकते हैं आप? पुलिस की जी तोड़ कोशिशों के बाद आखिरकार उस शव की शिनाख्त हो गई। लेकिन सवाल यह था कि इस शख्स की हत्या किसने की और क्यों? मृतक के परिवार को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने परिवार के एक अहम सदस्य को खो दिया था। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ये जानने में जुट गई कि आखिर ये मामला क्या था और आखिरकार किसने इस मानसिक रूप से विकलांग जगत को इतनी बेरहमी से मारा था। पता नहीं साहब, किन ने मारा और क्यों मारा मेरे जगत को।
अरे मेरा बेटा किसी का बुरा कर ही नहीं सकता था, इतनी समझ ही कहाँ थी उसमें। मतलब? अरे साहब, देखने में बड़ा जरूर था, उसका दिमाग भी कमजोर था, बिल्कुल 10-12 साल के बच्चे की तरह बर्ताव था उसका। मेरी बारी है, मैं खेलूंगा। ऐसा खिलाते किसी कम? क्यों नहीं खिलाते, मैं खेलूंगा, समझ गया के? अरे ला, मेरी बारी है। ला। ओए, ए, मेरी बारी है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग खेलते हैं, हम किसी को ऐसे नहीं खिलाते। जाओ जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। जाओ 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 खेलो अपने दोस्तों के साथ। मुन्ना कौन खिलाओ? तो देख फिर, कोई कौन खेल रहा हो रे? कोई कौन खेल रहा? कोई कौन खेल? मुन्ना कौन खिलाओ ना? मतलब कि मानसिक रूप से वो बच्चे जैसा बर्ताव करता था। साफ साफ यह कहना तो मुश्किल से, क्योंकि एक तो उसकी बचकानी हरकतें थी, दूसरी तरफ जब वो किसी लड़की से मिलता था तो उसका मिलने का अंदाज बहुत अलग होता था। क्या वो छोटे, तुम्हारी मोनू से लड़ाई कैसे हो गई? पहले उसने मेरे को मारा। तो उसने तुम्हें मारा तो तुम भी उसे मारोगे? क्या हुआ, कैसे गिरे तुम? चलो। ए मैं जगत, खेलेगी मेरे के लिए? खेलेगी मेरे साथ? खेलेगी? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे। अच्छा हुआ मर गया था, अगर जिंदा होता तो मेरे हाथों से मरता। वो तो गांव वालों ने बचा लिया उसको। कहीं तूने तो अपनी अधूरी इच्छा पूरी नहीं कर ली? अगर इच्छा पूरी की होती तो पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं, अंदर आके खुद बताता आपको। और जिसने भी ऐसा किया ना, बहुत अच्छा किया, भगवान उसका भला करे। साले ने मेरी बहन के साथ। छोड़ो, शादी में ना ऐसे होता है। इस खेल में ना फिर और मेरे सिवा कोई नहीं खेल सकता। अरे कोई लड़की चिल्ला रही है। अरुण भैया, वो जगत सुमन को छेड़ा। जगत, काजल, 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 बहन को छेड़ता है। कहीं कहाँ तू है तुझे? कहीं कहाँ तू है? ये गांव बहुत छोटा सा है साहब, यहाँ छोटी छोटी सी बातों को लोग बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। उस बात को तो लोगों ने ऐसा फैलाया कि आज तक किसी ने मेरी बहन के साथ शादी तक नहीं की। एकदम बावड़ा था, कुछ भी करे था, पता नहीं इसको पागलखाने में भर्ती क्यों ना किया उन लोगों ने। और कोई खास बात जो आपने नोटिस की हो? उसका भाई भरत डॉक्टर बन के आया था शहर से, और शहर से आने के बाद उसका ब्याह यहाँ हो गया। भरत के ब्याह के बाद जगत घर में रहने लग गया, और जब भी घर से निकलता तो लोगों से यही कहता फिरता कि उसका ब्याह किसी गुड़िया से हुआ। ऐसा क्यों कहा करता वो? पर कौन थी ये गुड़िया? पता नहीं साहब, अब पागल की बात पे कौन ध्यान देवे। और ये भरत की बीवी कहाँ है? वो तो बहुत पहले छोड़ के चली गई थी। एक बात तो साफ है, जगत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जगत की इन्हीं हरकतों की वजह से किसी शख्स ने जगत को अपना निशाना बना लिया? उसकी कुछ हरकतें से तो लोग परेशान हो चुके थे सर, और कुछ बातें तो बड़ी अजीब सी है। ये जितने भी लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि वो जगत को मारना चाहते थे उसके हरकतों की वजह से, मुझे नहीं लगता इनमें से किसी ने उसको मारा होगा। लेकिन सर अचानक क्यों भरत की शादी होने के बाद जगत का घर से कम निकलना भी किसी और इशारा करता है। भले कि जगत के मौत की गुत्थी इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। जो पेड़ हम देख रहे हैं इसकी जड़ें बहुत दूर हैं, और जब तक इन जड़ों को हम खोद नहीं लेंगे ना, हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सर ये यहीं पास ही में रहता है, इसे जगत के बारे में कुछ पता है। क्या पता है जगत के बारे में? ओए जगत, ओए जगत, ओए जगत, ओए इधर आ। और भाई कहाँ जा रहा है? अच्छा सुन, हमने एक नया बहुत अच्छा खेल निकाला है। खेलेगा तू? नया खेल? हाँ। क्या है? शादी शादी, खेल को नाम है शादी शादी। शादी शादी उसमें क्या हुआ है? इधर इधर इधर। ये देख। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? तेरे को करना है ऐसे?
वो देख, वो लड़की दिख रही है, यूं समझ ले कि तू है इस वीडियो का हीरो और वह लड़की है इसकी हीरोइन। अब तैने बस ये करना है जो तू यहाँ देख रहा है, तैने करना है ऐसा है। चल उठ, उठ उठ उठ, चल चल चल, अरे चल मेरे मिट्टी के शेर, जल्दी जा जा, आज कस के जल्दी यहाँ जा जा जा, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई है इधर, चल जा 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 जा, आज इस पागल की लगेगी छित्ती पर है। शादी शादी खेल लेगी मेरे गिल्ली, ये क्या बकवास है, अरे शादी कर ले मेरे साथ, कोई है, मजा आएगा, कोई है, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आओ मजा आओ। सर, मैंने तीनों से अच्छे से पूछताछ की है, कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं, तीनों सिर्फ इतना कबूल कर रहे हैं कि वो जगत के साथ में रेड लाइट एरिया में जरूर जाया करते थे, लेकिन इनका कहना है कि जगत के साथ में वो जो भी मस्ती मजाक करते थे उससे किसी को नुकसान नहीं होता था। और कोई खास बात इन्होंने बताई हो? हाँ सर, इनका कहना है कि जब जगत का भाई भरत शहर से आया था और भरत की जब शादी हुई तब से जगत ने घर से निकलना कम कर दिया, और जगत ने इनको किसी गुड़िया के बारे में बताया था, लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने आज तक उस घर में किसी गुड़िया को नहीं देखा। मालिक, इन तीनों को इतनी आसानी से हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो मैं काम करो, इनके फोन रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करो, क्योंकि जितनी शराफत ये दिखा रहे हैं ना उतने शरीफ ये हैं नहीं। साहब, भरत जगत का छोटा भाई से, अभी अभी शहर से डॉक टिकर के आया से, जगत अगर किसी की बात सुनता था तो सिर्फ भरत की, भरत उसने मंदिर लेके जाता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था। साहब, भरत की वजह से जगत को हम तीनों लड़कों से मिलने से रोक पाए थे। और गुड़िया, इसका तो नाम सुना ही होगा आपने, इसका क्या राज है? गुड़िया कुछ नहीं साहब, बस जगत के दिमाग का एक छलावा था। हाँ साहब, वो खुद ही औरतों के कपड़े पहन के अपनी ही बीवी की होने की नकल किया करता था, तो हमें लगा कि ऐसा करने से अगर वो शांत रहता है और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए तो ऐसा करने से हम उसे ना रोकते थे। लेकिन तुम तो अपनी बीवी को भी नहीं रोक पाए। उसे रोकना मुमकिन ना था साहब, उसे जगत से प्रॉब्लम थी इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। साहब, मनेवा कुछ भी अच्छा ना लग रहा था, पहले दिन से ही उनके परिवार वालों पे शक सा होने लगा था, और उन लोगों ने तो शादी के बाद तक मने ये ना बताया था कि उनके एक बड़ा लड़का भी है जो कि पागल से, वरना 20 लाख दहेज में देकर कौन उस घर में शादी करता। देख कर आता हूं। अरे डरने की कोई बात ना है, जगत भैया थे, पता नहीं कैसे आज बाहर निकल आए, कभी कभी उनको दौरे पड़ते हैं। बाहर निकल आए मतलब? और दौरे किस चीज के पड़ते हैं? चंदा, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और ये क्या, आज के दिन ये सब तू सोच रही है? अरे आज तो हमारी सुहाग रात है। हुँ?
अंदर जगत भैया है, उनको ऐसे दौरे पड़ते हैं, मैंने बोला था ना। ना ना, अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाजें आ रही थी। अरे चंदा, अंदर भैया ही है, अक्सर ऐसा होता है। तू नहीं है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। चल हाँ, कमरे में चलते हैं। चल जा बेटा, तू सो जा, जा। उसे यहाँ लाकर गलती तो ना कर दी हमने? शादी के बाद भरत के साथ सीधे सरकारी क्वार्टर में भेज देना चाहिए था। ना ना, ऐसा करने से तो इसे और गांव वालों को अजीब लगता। एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो ये अपने हिसार वाले सरकारी क्वार्टर में चले जाएंगे। उस घर में कुछ तो ऐसा था जो कि ठीक ना था। बस उसी के बाद से मेरा शक और भी गहरा हो गया। गुड़िया, मदद? चंदा, तू क्या कर रही है यहाँ पे? वो वहाँ दीवार पर कुछ कुछ ना, इधर भाई रहवे। आ तू आ मेरे साथ। आ, तुझे कितनी बार समझा इधर भाई रहवे से। हाँ हाँ चंदा, ये ठीक बोले से। चल तू भीतर जा, जा जा, जा। साहब, जब मैं वहां गई तो मैंने साफ साफ दीवार पर देखा था, वहां किसी ने नाखून से लिखा था गुड़िया मदद। लेकिन साहब, जब मैं वहां दोबारा गई तब वहां ऐसा कुछ भी ना था, और ये बात मैंने अपने पति को भी बताई थी। मैं कसम से बोलूं हूँ, मैंने वहां दीवार पर गुड़िया मदद लिखा देखा है। चंदा, के गुड़िया गुड़िया लगा रखा है तने? अरे आप हमारी बात पर विश्वास क्यों ना करो हो? ठीक है, चल अंदर जाकर देख कर आते हैं, उसके बाद ही तन्ने मन के वहम दूर होगा। चल। हाँ चलो। मदद, कहाँ लिखा है? अरे यही तो था। कहाँ? यही पर, अब कहाँ गया? भाई है, ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। गुड़िया, ये सब क्या हो रहा था मेरे कुछ समझ ना आ रहा था। मैंने जानने की कोशिश भी की पर कोई फायदा ना हुआ, और फिर उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ चली आई। मलिक, केस थोड़ा उलझाने वाला है। क्या सच में वहां सिर्फ जगत ही था, या फिर उसके साथ कोई और भी था? और अगर कोई था तो वो कौन होगा? इस केस में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, पर इन बातों में सच कहां छिपा है? सर,
हमने जगत के घर के आसपास पता किया। उनमें से किसी ने जगत के यहाँ कभी कोई औरत नहीं देखी और ना ही जगत को कभी औरत के कपड़ों में देखा। सर क्यों ना एक बार भरत से पूछताछ की जाए, आखिर उसके आने के बाद से तो जगत के बर्ताव में बदलाव आया था। नहीं मलिक, ये सही मौका नहीं है भरत से पूछताछ करने का। एक काम करो, उस पर नजर रखो, उसके घर के सारे फोन टैप करो। जी सर। जिस केस की शुरुआत एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी से हुई थी वो केस अब कई सवालों से घिर चुका था, और उन सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल था वो था एक नाम, गुड़िया। आखिर कौन थी ये गुड़िया और इसका क्या लेना देना था जगत के साथ? क्या ये वाकई में किसी का नाम था या फिर सिर्फ ये एक कल्पना थी? आखिर क्यों ये सारे सवाल इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भरत की सब में हिस्सेदारी थी? लेकिन इन सारे सवालों की शुरुआत जिस सवाल से हुई थी उसका जवाब पुलिस को अब तक नहीं मिला था। आखिर किसने मारा था जगत को? सर मैंने पता किया है, भरत पढ़ाई के दौरान हिसार के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहता था। क्या? हाँ सर। हाँ सर, ये मेरा ही घर है और भरत यहाँ किराए पे रहता था। और आप? सर पास ही मेरा एक और घर है, मैं वहां रहता हूँ। वैसे उसके साथ उसकी बीवी भी रहती थी। पक्का वो उसकी बीवी ही थी? हाँ सर, संध्या नाम था उसका, लेकिन वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। और कुछ जो आप उनके बारे में जानते हो? हाँ सर, एक दिन संध्या को मैंने सड़क पर किसी आदमी से लड़ते हुए देखा था। वहाँ पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत की वाट लगाकर तू यहाँ ऐश कर रही है? भूला नहीं हूँ मैं अभी तक किस तरह से तू अपने मजनू के साथ वहाँ से भागी थी। छोड़ो मुझे। अरे ऐसा बदला लूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और उस दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। भरत पैसे चाहिए घर के लिए। अभी मैंने 10 दिन पहले तुझे दिए थे पैसे, 7,000 रुपए दिए थे ना मैंने। 7,000 में क्या होता है भरत? क्यों क्यों नहीं होता है? पहले तो होता था। भरत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक महीने में खत्म हो चुका पैसे वो। कितने पैसे चाहिए तुझे? चिल्ला मत, बताती हूँ मैं। कौन था वो आदमी जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था? ये तो मालूम नहीं और ना ही कभी मैंने पूछा। अच्छा आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस लड़की का हुलिया बता सकते हैं? हाँ सर जरूर। हाँ साहब, जो सच है कि मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी थी। पहली शादी की बात मैंने इसलिए छुपाई क्योंकि उससे दहेज कम हो जाता साहब, इतनी बड़ी रकम दोबारा ना मिलती, बस इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तो फिर वापस क्यों गई वो? पता नहीं साहब, उसे तो मुझसे जुड़ी हर एक चीज़ से नफरत होने लगी थी। मैं उसकी हर एक बात नज़रअंदाज कर देता था साहब, लेकिन फिर भी वो एक दिन चली गई। भरत मेरे साथ रह नहीं सकता। अरे मेरी बात तू कहीं लेके नहीं जाता, कहाँ जा रहा है? अरे तू जा कहाँ रहा है? मेरी बात तो सुन, तू छोड़ मुझे, सुन मेरी, तू मेरे साथ रहने लायक ही नहीं है। और ये कौन है? संध्या इसे कैसे जानती थी? इस आदमी को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे संध्या ने कभी नहीं बताया इसके बारे में। संध्या का घर यही है? जी नहीं, जिस संध्या की आप बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कब की मर चुकी है। सरपंच के बेटे से शादी होने वाली थी साहब उसकी, अब तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि वो हमारी बेटी है। ना जाने कब उसके दिमाग में गोबर भर गया साहब, उस भरत के साथ भाज गई, मुंह काला करा दिया उसने पूरे गाँव के सामने मेरा। इसे पहचानते हैं आप? ये तो हरीश है साहब। इसकी फोटो लेके क्यों घूम रहे हैं आप? इससे ही तो संध्या की शादी होने वाली थी। छोरी तो समझ नहीं जाती तेरे से, मुंह उठाकर रिश्ता लेकर चला आया। भाई शेखर, अब ये 3 लाख रुपए तो तने देने ही पड़ेंगे। 3 लाख? पर शादी तो हुई ना है। ए बे टेंटम बुआ, खर्चा कौन देगा? तुम्हारी लड़की की गलती की सजा हम क्यों भुगते हैं? पैसे ना थे, मजबूरी में जमीन बेचनी पड़ी। ना जाने कौन मन उस घड़ी में पैदा हुई थी, ना वो हमारी बहन है ना इस घर की बेटी। संध्या को कैसे जानते हो? बस एक बार मिला था उससे शहर में। तू? हाँ मैं। वहां से मुंह काला करा करके यहाँ पर ऐश कर रही है? छोड़ो मुझे। भूला नहीं हूँ मैं किस तरह से तू अपने मजनू के साथ वहां से भागी थी। अरे उस बेइज्जती का बदला भी बाकी है, ऐसा बदला लूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी।
बस साहब गुस्से में दो चार बात सुनार मन भर लिया, अब मरने के बताओ कहाँ होगी और किसके साथ होगी। मलिक ये गुड़िया का क्या चक्कर है, कौन होगी ये गुड़िया? सर कहीं ये गुड़िया कोई मनगढ़ंत तो नहीं है? जगत को किसी ने क्यों मारा होगा, कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसने जगत को मारा होगा? मलिक एक काम करो, इन सब के रिकॉर्ड्स दोबारा खंगालो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। आप लोग चलिए, हो जाएगा काम। सर इन फोन रिकॉर्ड से कुछ हाथ लगा है क्या? सर जिस रात जगत गायब हुआ था उस रात को भरत ने अपने फोन से एक लोकल नंबर पे फोन किया था। किसका नंबर है वो? सर वो नंबर बल्लू का है और ये बल्लू जगत के उन तीनों दोस्तों में से एक है। पता किसने मारा जगत को? मैंने मारा साहब। तो फिर किसने मारा? तू तो डॉक्टरी करके घर आ, 20 लाख में बात तय हो गई है। 20? हाँ, शादी कर और उन पैसों पे ऐश कर। भावड़ा हो गया क्या तू? तूने 2 साल से शादी कर रखी और आज तक नहीं बताया, ये क्या करे? ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, किसी भी हालत में इसको छोड़ नहीं सके हैं। 20 लाख 20 लाख बार बार नहीं मिलेंगे। एक काम कर, लेके आओ उसे, देखते हैं क्या करना है। भरत 2 साल हो लिए, ये अचानक मम्मी पापा से मिलाने ले जा रहा, सब ठीक है ना? जगत आजा अंदर आजा। दरवाजा बंद कर। याना आज से तेरी गुड़िया से तू ना इससे शादी शादी खेल सके, कि तने कोई ना रोके वो। दिल लुगाई बढ़ेगी या शादी शादी के लोग मैं शादी करूं? बब्बू मैं इसका हस्बैंड बनूंगा। तू कहीं बढ़ेगी तू मेरी, मैं तेरा हस्बैंड। शादी शादी कर लेंगे हम, शादी 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 कर लेंगे, ठीक है? चलो सब क्या जगत, तूने अपनी गुड़िया हमें नहीं दिखाई? ओए मैं कौन हूँ, मेरी गुड़िया मेरी है वा। हम तो तेरे दोस्त हैं यार, और वैसे भी खेल खेलने का मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है। हाँ? अकेले अकेले खेलने में कोई मजा थोड़ी आता है, और वैसे भी तेरे को ये खेल हमने सिखाया सड़े, और तू हमारा कोई मना कर रहा है? 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 ये देख जगत, हम तेरे लिए क्या लाए हैं। ओए, ओ,
एक मेरी तरफ से भी चॉकलेट और ये पर एक बात है बुल्लू, जितनी बार भी मेरी गुड़िया के लिखे लगा ना उतनी चॉकलेट देनी पड़ेगी, मंजूर है? अरे एक नहीं तीन तीन चॉकलेट लेके आऊंगा, और एक ये, एक मेरी तरफ से ये और, ठीक है? अब ना सरताज ऐसा करते हैं कि पहले ना गुड़िया के साथ मैं खेल लेता हूँ, ठीक है? तो चॉकलेट का ठीक है, हाँ खेल। उसके बाद तो फिर संध्या कहाँ है? अरे शेखर संध्या कहाँ है? क्या मतलब? देख ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, हमें सब पता चल चुका है। देख अभी भी सच सच बता दे वरना तू हमारा स्टाइल जानता ही है। सर मैंने इस बारे में कुछ नहीं पता। ये ऐसे नहीं बताएगा, लेके चलो इसे। चल पकड़ो इसे। मेरी नाम तक भूल चुकी थी, जिस दरिंदगी से मैं गुजर रही थी मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मैं इन सब से बाहर भी निकल पाऊंगी। Gudiya
चॉकलेट मिलेगी तो और घना मजा होगा, और मजा आएगा। सारे ना चॉकलेट खाऊंगा, सारे शादी शादी खेलेंगे। बल्लू कितनी चॉकलेट देगा मेरे को? बल्लू 1 2 3 4 उसको कहूँगा अरे बल्लू चार नहीं 8 चॉकलेट चाहिए। लालच किसी भी इंसान को अंधा बना देता है, ये हमें मानसिक रूप से अपंग बना देता है। इस केस में दहेज के लालच की वजह से संध्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। क्या हम इतने गिर गए हैं कि चंद रुपयों की खातिर अपने जमीर और ईमान से मुंह फेर लें? लेकिन गलती सिर्फ उनकी नहीं है जो इस विकृत सोच के साथ जीते हैं, गलती हमारी भी है जो हम इन्हें बढ़ावा देते हैं। क्या हम ये मामूली सी बात नहीं समझ सकते कि जिस रिश्ते की बुनियाद एक फायदे के लिए रखी जा रही है उस रिश्ते का भविष्य कैसा होगा? बेशक हमारे देश की कई बेटियों ने ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना ली है, लेकिन हम फिर भी इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि भारत के कई प्रदेशों में औरत की पहचान सिर्फ मर्द के इस्तेमाल और उनके मनोरंजन की चीज बनकर रह गई है। जरूरत है कि हम अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना सिखाएं और उन्हें इस बात की शिक्षा दें कि लड़के और लड़कियां बराबर हैं और उनमें फर्क मात्र बायोलॉजिकल है। अगर रामशरण ने खुद औरतों की इज्जत करना सीखा होता और यही सीख अपने बेटों को दी होती तो जो संध्या के साथ हुआ वो कभी ना होता और ना ही जगत की जान जाती, और साथ ही चंदा की जिंदगी भी खराब होने से बच जाती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।